हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस कि हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है। देखो, हमने ये लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको ये स्किप करना है तो आप कर सकते हो, आप सीधे न्यूमेरिकल्स में जा सकते हो। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं और हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये तीनों की तीनों इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेल रो बाय डी रो बाय डीटी, इसको हम बोलते हैं मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, डी रो बाय डीटी इज मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी। ठीक है, नाउ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा ये वाली इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसमें हमारे यू आर, दिस इज वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, और हमारा जो यू थीटा है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों की याद रखना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जनरल की बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ वैलिड है। ठीक है, वो स्टडी एज वेल एज अनस्टडी फ्लो के लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वैलिड है, और कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के लिए भी हमारी दोनों की दोनों सिलेंड्रिकल एज वेल एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर वैलिड। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। देखो, अगर हमारा फ्लो इज स्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लूड है सो हमारा डेल रो बाय डेल टी का टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमारा स्टडी फ्लो है। सो टाइम के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, सो ये दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। एक हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए और दूसरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारी डेंसिटी और वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट यू वी एन डब्ल्यू, ये क्या हमारी वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली। ठीक है, क्यों? देखो जनरली क्या होता है, हमारा u, v एंड w दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इसमें हम डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं। ये हमारे स्पेस के भी फंक्शन होते हैं और टाइम के भी फंक्शन होते हैं, बट हमने बोल दिया हमारा फ्लो इज स्टडी, तो स्टडी के केस में हमारा ये टाइम वाला फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, सो हमारा जो डेंसिटी एंड वेलोसिटी कॉम्पोनेंट आर ओनली फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड स्टडी फ्लो। ठीक है, एंड नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के बारे में। देखो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स होता है एक ऐसा फ्लूड होता है जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है, मतलब जिसकी डेंसिटी ना ही स्पेस के साथ चेंज होती है। ठीक है, डेंसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम। ठीक है, मतलब हमारी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, चाहे वो स्पेस के लॉन्ग हो या फिर टाइम के लॉन्ग हो, हमारी डेंसिटी फ्लूड की नहीं चेंज होती। ठीक है, सो उस केस के लिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ये दोनों है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारी ये वाली है। ठीक है, नाउ देखो अभी लिखा डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, डेंसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, नाउ लेकिन हमारा क्या वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है, देखो इस फॉर्मूले में यू आ रहा है, वी आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, सो यू वी डब्ल्यू आर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट, ये हमारे स्पेस के फंक्शन भी हो सकते हैं और टाइम के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स के बारे में। कहीं ये नहीं लिखा कि हमारा स्टडी स्टेट है और हमारा स्टडी फ्लो है या फिर अनस्टडी फ्लो है, इसके बारे में नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा है, हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है। ठीक है, नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अनस्टडी फ्लो के लिए यूज़ करें या फिर स्टडी फ्लो के लिए यूज़ करें, हमारा किसके लिए वैलिड है? तो देखो, ये हमारी दोनों के लिए वैलिड होती है, स्टडी एज वेल एज अनस्टडी। क्यों? देखो, अगर हम स्टडी की बात करेंगे तो स्टडी के केस में हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो टाइम के फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर हम अनस्टडी स्टेट की बात करें तो टाइम का फंक्शन भी होगा। ठीक है, सो चाहे फ्लूड हमारा कंप्रेसिबल हो या कंप्रेसिबल नहीं हो, हमारा वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज कर भी सकती है और टाइम के साथ चेंज नहीं भी कर सकती है। ठीक है, हेंस ये वाला एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर स्टडी एज वेल एज अनस्टडी फ्लो। ठीक है, नाउ एक चीज़ और देखो, ये वाला एक्सप्रेशन इज जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, नाउ इसमें हमारा जो ये वाला टर्म होता है, दिस इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नाउ सिमिलरली डेल वी बाय डेल वाई हमारा होता है लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन, एंड
डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड होता है हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। और इन तीनों का सम हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम डायलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। सो नाउ वी आर इन द पोजिशन टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर वन हमको ये कह रहा है, टू इंश्योर फ्लूइड टू बी इनकंप्रेसिबल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है जिसमें ये हमारा यू हो गया, दिस इज वी एंड दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। नाउ टू इंश्योर दैट फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, तो इसकी हमने देखा है, देखो एक्चुअली में हमारा पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं, डी रो बाय डी टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ सिंस हमारा फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है तो ये वाला फैक्टर हमारा जीरो हो जाएगा, ये तीनों की तीनों डेंसिटी के टर्म हमारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, हमारे बाहर आ जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे जीरो के साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ हमें यू कितना की बना है, ये हमें यू की बना है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं इसको एक्स से डिफरेंशिएट करूँगा तो हमारा आएगा ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर मैं वाई को वी को डिफरेंशिएट कर दूँ वाई से तो हमारा कितना आ जाएगा सी थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर मैं जेड को और डब्ल्यू को जेड से डिफरेंशिएट कर दूँ तो हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू माइनस थ्री सी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। देखो बाकी बी एंड डी तो हमारे चाहे कुछ भी हो, उनकी चाहे कुछ भी वैल्यू हो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस ए और सी से पड़ेगा कि हमारा ए और सी कितने हैं। अगर ए और सी हमारा ये रिलेशनशिप फॉलो कर जाते हैं तो इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड फ्लो है, मतलब जो हमारा फ्लूइड है, इट विल बी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द यू वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ स्टेडी टू डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन, हमको यू गिवन है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट है। नाउ वेलोसिटी कंपोनेंट वी हमारा इज अननोन, जनरेट द एक्सप्रेशन ऑफ वी, ठीक है। देखो हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है यू आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है, जिसमें से हमको यू गिवन है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। नाउ हमें कंडीशन क्या गिवन है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इनकम्प्रेसिबल की बात करूँ तो इनकम्प्रेसिबल का हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ ये तो हमारी बात होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, ठीक है। नाउ सेकंड इसमें लिखा है कि हमारा स्टेडी फ्लो है, इसका मतलब हमारा जो यू एंड वी है दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली, मतलब एक्स एंड वाई के फंक्शन है, ठीक है। देखो जेड डायरेक्शन में तो हमारा फ्लो हो ही नहीं रहा है तो जेड डायरेक्शन तो जीरो ही होगा, और सिर्फ दो डायरेक्शन में होगा एक्स एंड वाई, एंड सिंस हमारा स्टेडी स्टेट लिखा है तो ये हमारे टाइम के फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा अनस्टेडी होता तो हमारे टाइम का फंक्शन भी होता, बट इस केस में हमारा स्टडी लिखा है, सो देयरफॉर यू एंड वी आर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ सो वी नो यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सो डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस बी इज, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरा कितना आएगा, देयरफॉर ए प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डेल वी इज इक्वल टू माइनस ए डेल वाई, ठीक है। नाउ व्हेन आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स देयरफॉर वी इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज दिस, ठीक है, क्योंकि देखो हमने इसको इंटीग्रेट तो करा, जनरली हम क्या लिखते हैं कॉन्स्टेंट सी लिखते हैं, ठीक है, बट हमने कॉन्स्टेंट सी के बदले हमने क्या लिखा, सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। बिकॉज जब मैं इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करूँगा वाई से, अगर ये एक्स का फंक्शन है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैं डी वी बाई डी वाई करूँगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, प्लस सिंस ये हमारा एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं हम लिख देंगे सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री हमको ये कह रहा है, इमेजिन टू डायमेंशन स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो दैट इज प्योरली सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ वट आर दी वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल एंड एंगुलर डायरेक्शन दैट डज नॉट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं जनरल फॉर्म, तो वो कितना होगा हमारा डेल रो बाई डेल टी प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल आर रो आर यू आर प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा
rho u theta plus del rho w by del z is equal to 0. ठीक है, दिस इज़ द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जनरल फॉर्म है हमारा. ठीक है, नाउ देखो जो हमारा डेंसिटी होता है इज़ अ फंक्शन ऑफ r, थीटा, z एंड टाइम. ठीक है, ये हमारा स्पेस का फंक्शन भी होता है और टाइम का फंक्शन भी होता है. सिमिलरली हमारा वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन z डायरेक्शन, दे आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. ठीक है, मतलब वो r, थीटा, z और t के भी हमारे फंक्शन होते हैं. ठीक है, नाउ ये तो हमारा जनरल केस की बात होगी. नाउ क्वेश्चन ने बोला हमारा टू डायमेंशन फ्लो है, सो z डायरेक्शन के अलॉन्ग हम अपना कॉम्पोनेंट जीरो मान लेते हैं. ठीक है, एंड पूछा है और ऑल्सो हमको गिवन है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है. इनकम्प्रेसिबल फ्लूड का मतलब ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और ये डेंसिटी के सारे टर्म हमारे कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे. सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा 1/r डेल बाय डेल r r u r प्लस 1/r डेल बाय डेल थीटा u थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है फॉर टू डायमेंशन स्टेडी स्टेट एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो. ठीक है, नाउ सिंस स्टेडी स्टेट की बात कर ली तो हमारा यू आर एंड यू थीटा दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली, मतलब आर एंड थीटा ओनली, हमारा टाइम के फंक्शन नहीं है वो. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इट इज़ प्योरली सर्कुलेशन. ठीक है, प्योरली सर्कुलेशन का मतलब लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए सर्कल. ठीक है, नाउ देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट में हमारा, इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ, इस पॉइंट में अगर हमारा ये डायरेक्शन जो होती है ये हमारी होती है वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर ये डायरेक्शन है दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन. ठीक है, नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन होती है फ्लूइड की. ठीक है, दैट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड. ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यू थीटा स्क्वायर प्लस यू आर स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस. नाउ क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ प्योरली सर्कुलेशन. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन इज़ ज़ीरो. अगर हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा कुछ ये वाली सिचुएशन आएगी, है ना. हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन ही होगा, रेडियल डायरेक्शन हमारा ज़ीरो है, सो हम रेडियल डायरेक्शन नहीं बनाएंगे. ठीक है, नाउ तो ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो के बराबर हो गया. ठीक है, नाउ सो देयरफॉर हमारा हो जाएगा 1/r डेल बाय डेल थीटा यू थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ देखो हमारा जो यू थीटा है इस केस में हमारा इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ थीटा, r का फंक्शन भी नहीं है क्योंकि हमारा रेडियस के लॉन्ग सॉरी इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ r ओनली नॉट थीटा. सिंस हमारा प्योरली रोटेशन का केस है तो हम कोई से भी पॉइंट पे अगर लें हमारी वेलोसिटी u थीटा कॉन्स्टेंट होगी, है ना, हर जगह हमारी वेलोसिटी क्या होगी, यू थीटा ही होगी फ्लूड के पार्टिकल की, क्योंकि हमारा रेडियल कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यू थीटा है वो एंगल के साथ चेंज नहीं हो रहा, है ना. मतलब अगर हमारा ये एंगल थीटा हो गया तो इधर जो वेलोसिटी थी यू थीटा और इधर जो वेलोसिटी होगी यू थीटा वो दोनों बराबर होगी. सो यू थीटा इज़ कॉन्स्टेंट एंगुलरली, मतलब एंगुलर डायरेक्शन में हमारा चेंज नहीं हो रहा, बट रेडियल डायरेक्शन हमारा चेंज हो सकता है. हमने पहले भी देखा था यहाँ पर हमारा जो यू थीटा था वो किसका फंक्शन था, इट वॉज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा, बट नाउ सिंस हमारा यू आर जीरो हो गया तो हमारा क्या हुआ, इट बिकम्स ओनली अ फंक्शन ऑफ आर ओनली. ठीक है, नाउ तो ये वाला टर्म इधर जाके जीरो हो गया और इसको मैं लिख सकता हूँ डी यू थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहाँ मैंने पार्शियल डेरीवेटिव यूज़ करें और यहाँ मैंने टोटल डेरीवेटिव यूज़ करा है बिकॉज यू थीटा इज फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, हमारा एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है आर. ठीक है, सो व्हेन आई इंटीग्रेट इट तो हमारा यू थीटा इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, यू थीटा हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, सो बेटर वी राइट यू थीटा इज फंक्शन ऑफ आर, दिस इज द आंसर. ठीक है, नाउ इसका कहने का मतलब ये है अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और हमारा कौन सी कंडीशन है, प्योरली सर्कुलेशन की कंडीशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है सिर्फ यही प्रेजेंट होगा और इसको हम बोलते हैं यू थीटा, और ये कोई से भी सर्कल के कोई से भी पॉइंट पे हम ले लें हमारा सेम होगा. ठीक है, मतलब अलॉन्ग द एंगल, मतलब अगर मैं इसको थीटा एंगल मानता हूँ तो ये हमारा सेम रहेगा, इसको अगर मैं थीटा वन मान लेता हूँ तो ये फिर भी यू थीटा ही रहेगा. ठीक है, बट जैसा ही मैं रेडियस चेंज कर लूँगा, मान लो अब मैं इस रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम मान लो हमारा कुछ इतना मैग्नीट्यूड था, अब चाहे बढ़ भी सकता है या फिर ये कम भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो इस टाइम हमारा जो यू थीटा है वो अलॉन्ग द रेडियस हमारा
चेंज हो रहा है, ठीक है, वही मैंने लिखा है, ठीक है। सो दिस वॉज प्रेटी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन फॉर टू डायमेंशन अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लो, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोल दिया अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। सबसे पहले अपना जनरल फॉर्म लिखते हैं, हमारा होता है डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ ये हमारा किसके लिए वैलिड है, देखो कंप्रेसिबल, ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमारा डेंसिटी जो है इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, और हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन आर ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ने बोल दिया कि इट इज टू डायमेंशन फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये वाला टर्म तो जीरो हो ही गया और ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, ठीक है। सो हमारा ये हो गया डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ इन दिस केस हमारा यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, बिकॉज अब टी क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारा अनस्टेडी फ्लो है, ठीक है। अगर ये स्टेडी होता तो हमारा ये वाला टर्म नहीं होता, बट हमारा क्या है, अनस्टेडी फ्लो है। सो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है, स्पेस के तो हैं अब वो टाइम के भी फंक्शन हो गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में हमको यू गिवन है, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू कितना गिवन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, ठीक है, प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो व्हेन आई डिफरेंशिएटेड ये हो जाएगा हमारा टू ए एक्स, ठीक है, माइनस बी वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डेल बी बाय डेल वाई इज इक्वल टू बी वाई माइनस टू ए एक्स, ठीक है। नाउ व्हेन आई इंटीग्रेटेड तो हमारा आ सकता है, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल वी इज इक्वल टू बी वाई माइनस टू ए एक्स डेल वाई, ठीक है। नाउ जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा देयर फोर वी इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस टू ए एक्स वाई, ठीक है, प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज क्या वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा या फिर इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है, इन तीनों में से क्या होगा, क्योंकि हमारा देखो वेलोसिटी जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम, ठीक है। सो इसका एक्चुअल में आंसर हमारे तीन आएंगे, v इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू ए एक्स वाई प्लस द फंक्शन ऑफ x, या फिर ये आंसर होगा या फिर ये होगा बी वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू ए एक्स वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर होगा बी वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू ए एक्स वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है। दीज थ्री आर द आंसर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो इन तीनों के तीनों इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप y के अगेंस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, कंसिडर अ नोजल एज शोन बिलो, द वेलोसिटी अलोंग द नोजल इन z डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का फ्लो हमारा z डायरेक्शन में हो रहा है इन द नोजल, चेंजेस लीनियरली, है ना, मतलब हमारा इन द नोजल जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन z डायरेक्शन लीनियरली चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है जनरेट एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट नेगलेक्टिंग द एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यू जेड आई है दिस इज इनलेट वेलोसिटी एट नोजल, ठीक है, एंड यू जेड ई लेते हैं इसको हम, यू जेड ई हमारा एग्जिट ऑफ नोजल, ठीक है। नाउ सिंस हमारा वेलोसिटी इज चेंजिंग लीनियरली वी कैन से यू इज इक्वल टू यू जेड आई प्लस यू जेड ई माइनस यू जेड आई इंटू में एक्स बाई एल, ठीक है। नाउ सॉरी एक काम करते हैं, दिस इज नॉट एक्स दिस इज जेड, ठीक है, जेड बाई एल। नाउ ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी जो चेंज हो हमारी लीनियरली चेंज हो रही है इन जेड डायरेक्शन। नाउ क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हमारा डब्ल्यू है, ठीक है। नाउ हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल रो बाई डेल टी प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल आर रो आर यू आर प्लस वन बाई आर डेल बाय डेल थीटा
रो यू थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको देखो टू डायमेंशन फ्लो गिवन है, कहने का मतलब हमारा एंगुलर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, नेगलेक्ट बोल रहे हैं तो ये जीरो होगा, और हमारा फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो हमारा डेंसिटी का टर्म ये वाला जीरो हो जाएगा, ये सारे के सारे डेंसिटी के टर्म हमारे बाहर आ जाएंगे डेरिवेटिव में से, सो बचेगा क्या हमारा वन बाई आर डेल बाई डेल आर आर यू आर प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ये डब्ल्यू जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हमको W तो पता है तो उसको हम Z से डिफरेंशिएट करेंगे, सो हम लिखेंगे वन बाई आर डेल बाई डेल आर आर यू आर, ठीक है, प्लस ना अगर मैं इस टर्म को Z के लॉन्ग डिफरेंशिएट करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा जीरो प्लस यू जेड ई माइनस यू जेड आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, हमको ये वाला फैक्टर निकालना है, सो देयर फोर डेल बाई डेल आर आर यू आर इज इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म अगर इधर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा यू जेड आई माइनस यू जेड ई डिवाइड बाई एल, ठीक है, और ये वाला टर्म मैं इधर लिया तो ये हो जाएगा इनटू में आर, ठीक है ना। व्हेन आई इंटीग्रेटेड सो ये हमारा हो जाएगा देयर फोर आर यू आर विल बी इक्वल टू यू जेड आई माइनस यू जेड ई आर स्क्वेयर बाई टू एल, ठीक है, सो देयर फोर हमारा यू आर विल बी इक्वल टू यू जेड आई माइनस यू जेड ई इन टू में आर अपॉन में टू एल, ठीक है, एंड दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए टू डायमेंशन कन्वर्जिंग डक्ट सच दैट द बॉटम वॉल ऑफ द डक्ट इज फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, जो हमारा बॉटम वॉल है इट इज़ फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, एंड द टॉप ऑफ द वॉल इज कर्व्ड इन सच अ वे दैट द वेलोसिटी यू इंक्रीजेज लीनियरली एंड डेंसिटी डिक्रीजेज लीनियरली, मतलब ये जो कर्व है ये ऐसे कर्व है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रही है लीनियरली और हमारा डेंसिटी डिक्रीज कर रही है लीनियरली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट वी दैट इज इन वाई डायरेक्शन इफ द फ्लो इज स्टेडी, ठीक है ना। बाकी हमको डेटा भी गिवन है, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हमारी डक्ट की एंट्री है एट एक्स इक्वल टू जीरो और एट एक्स इक्वल टू एल हमारा डक्ट का एग्जिट है, ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट एज वेल एज डेंसिटी हमारा क्या हो रहा है लीनियरली चेंज हो रहे हैं, सो हमारा यू विल बी इक्वल टू यू एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस यू एट एक्स इक्वल टू एल माइनस यू एट एक्स इक्वल टू जीरो इंटू में एक्स बाई एल, ठीक है, ये हमारा लीनियरली चेंज हो रहा है, सो दिस इम्प्लाइज यू विल बी इक्वल टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड इंटू में एक्स बाई टू, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमारी डेंसिटी भी हमारी चेंज हो रही है लीनियरली, सो रो विल बी इक्वल टू रो एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस रो एट एक्स इक्वल टू एल माइनस रो एट एक्स इक्वल टू जीरो इंटू में एक्स बाई एल, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज रो एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना गिवन हमको 1.2, सो रो इक्वल टू 1.2 प्लस 0.85 माइनस 1.2 इंटू में एक्स बाई टू, ठीक है, टू के हमारी लेंथ ऑफ द डक्ट, सो दिस इम्प्लाइज हमारा रो विल बी इक्वल टू 1.2 माइनस 0.175x, ठीक है, सो ये और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ना। देखो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशन फ्लो है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और स्टेडी स्टेट बोला है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, ठीक है, तो बचा क्या हमारा डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। देयरफॉर डेल बाय डेल एक्स ना रो कितना गिवन हमको, रो हमने ये निकाला अभी 1.2 माइनस 0.175x, ठीक है, और हमें यू कितना हमने यू निकाला 100 प्लस 100x, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई। नाउ देखो जो हमारा डेंसिटी है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो
तो इस केस में हमारा डेंसिटी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा रो डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ देयरफॉर डेल बाई डेल एक्स ऑफ 120 प्लस 120x माइनस 17.5x माइनस 17.5x स्क्वायर, ठीक है। प्लस नाउ रो कितना है हमारा, इट इज़ 1.2 प्लस 0.175x डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा आएगा 0 प्लस 120 माइनस 17.5 माइनस 35x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2x, और 2 को जब मैं 17.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 1.2 प्लस 0.175x डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। सो देयरफॉर इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 102.5 माइनस 35x, ठीक है। ये नेगेटिव टर्म मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो दिस इज़ माइनस डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 0.175x, ठीक है, इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। नाउ देयरफॉर देखो मैं इस डेल वाई को मैं जल्दी आऊँगा तो ये कुछ हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ जब मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करूँगा तो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 102.5 माइनस 35x डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 0.175x इंटू माई वाई, ठीक है। दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। सो हमारा जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है ये हमारा x का भी फंक्शन है और ये हमारा y का भी फंक्शन है, ठीक है। इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो अगर हमको इस डक्ट की हाइट स्टार्टिंग में, मतलब अगर ये हमको 2 मीटर गिवन है, एज्यूम कर लो हमको ये 2 मीटर गिवन है स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमको 1 मीटर गिवन है, तो हम ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस इज आर y एक्सिस, तो y की मैं किसी भी वैल्यू में और x की मैं किसी भी वैल्यू में अपना वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज दी आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।